हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इसका पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वन का। तो इसका पहला टॉपिक है दोषानुसार कोष्ठ के भेद। तो दोषों के अनुसार, वात पित्त कफ के अनुसार जो हमारा कोष्ठ होता है उसके तीन भेद बताए गए हैं। तीन भेद कौन से हैं? एक होता है क्रूर कोष्ठ, एक होता है मृदु कोष्ठ और एक होता है मध्य कोष्ठ। अब हम इसको चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखिए, वात प्रकृति वाले का क्रूर कोष्ठ होगा, मतलब उसका जो नेचर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, उसको जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो किस तरीके का होगा? हार्ड होगा। जो पित्त प्रकृति वाला होगा उसका कोष्ठ मृदु होगा, मतलब सॉफ्ट होगा। और जो कफ प्रकृति है उनका कोष्ठ मध्यम होगा, मींस उनका नेचर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा? मीडियम होगा। और जो त्रिदोषज है, मतलब जिनका वात पित्त कफ समान अवस्था में है, वो त्रिदोषज होते हैं, उनका जो कोष्ठ होगा वो मध्यम होगा, अर्थात मीडियम होगा। इसके बाद प्रकृति का निर्माण एवं भेद। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रकृति का निर्माण कैसे होता है। तो प्रकृति का निर्माण जन्म के समय होता है। जन्म के आदि अर्थात गर्भाधान के काल में शुक्र मीन्स मेल फैक्टर दैट इज स्पर्म एंड आर्तव मीन्स ओवम का उस समय जिस दोष की प्रबलता होगी, कब? गर्भाधान के काल में स्पर्म और ओवम में जिस दोष की प्रबलता होगी उसके अनुसार अगर हीन हुआ तो वातज प्रकृति बनेगा, मध्यम हुआ तो पित्तज प्रकृति बनेगा, उत्तम हुआ तो कफज प्रकृति बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद इस तरह हमारी जो प्रकृति का निर्माण होता है किसके अकॉर्डिंग? हमारे दोषानुसार। इसके बाद ये हमें देखना है कि जो समधातु प्रकृति है अर्थात त्रिदोषज प्रकृति जो है, मतलब जिसमें वात पित्त और कफ तीनों समान अवस्था में रहते हैं, यह श्रेष्ठ प्रकृति मानी गई है। और जो द्विदोषज प्रकृति है, जैसे कि वात पित्त को मिला दिया, वात कफ और पित्त कफ, ये जो द्विदोषज प्रकृति हैं इनको निंदनीय बताया गया है। तो तीन प्रकार की प्रकृतियाँ हो गई, हीन जो से बनेगी वातज, मध्यम से बनेगी पित्तज, उत्तम से बनेगी कफज। कब बनेगी? गर्भाधान काल में स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं गर्भाधान काल के समय, उस समय बनेंगी ये तीन प्रकृतियाँ। और त्रिदोषज प्रकृति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है और द्विदोषज प्रकृति अर्थात वात पित्त, वात कफ और पित्त कफज, इनको निंदनीय माना गया है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वात दोष के गुण। वात दोष के क्या क्या गुण होते हैं, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, ये याद करने को रहते हैं। वात दोष के गुण तीनों के गुण पढ़ने हैं हमको, वात दोष के गुण, पित्त दोष के गुण और कफ दोष के गुण। तो वात दोष के गुण क्या होंगे? तो वात दोष का गुण होगा अनिल, अर्थात वात दोष। अनिल का मतलब ही होता है वायु। तो वायु के जिस तरह के होंगे उसी तरीके के वात दोष के होंगे, मतलब रूक्ष होगा, मतलब ड्राई होगा, लघु मतलब लाइट होगा, शीत मतलब कूल होगा, खर मतलब रफ होता है ना, वैसे रफ होगा, सूक्ष्म मतलब छोटा होगा, चल मतलब मोबाइल होगा, मतलब चलने वाला होगा, चल प्रकृति का होगा, स्टेबल नहीं होगा, एक जगह रुकने वाला नहीं, चलने वाला होगा। तो वात प्रकृति के हमने ये गुण देख लिए। अब हम इसे डायरेक्ट टेबल के साथ भी देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है, ये जो तीनों के दिए हुए हैं वो एक टेबल में सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। वात दोष को रूक्ष अर्थात ड्राई, लघु अर्थात लाइट हल्का, शीत मतलब कूल, खर मतलब रफ, सूक्ष्म मतलब छोटा और चल मतलब मोबाइल। इसके बाद पित्त प्रकृति, इसमें पित्त प्रकृति में कैसा होगा? स्नेह, सस्नेह मतलब स्नेह युक्त होगा। ठीक है, और जो तीक्ष्ण हो, ये तीक्ष्ण होगा मतलब शार्प होगा, तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा मतलब हॉट होगा, उष्ण का मतलब गर्म होता है ना, तो उष्ण मतलब हॉट होगा। लघु मतलब लाइट, ये भी लाइट होगा, जैसे वात दोष भी लघु था वैसे पित्त दोष भी लघु है। इसके बाद विस्त्र का मतलब होता है स्मेली, इसमें से स्मेल आएगी। सर मतलब फ्लोइंग, सर का मतलब होता है बहना, ये इस तरीके का गुण लिया होगा, फ्लोइंग टाइप का गुण। द्रव मतलब लिक्विड, अब बहने जैसा गुण लिया है तो द्रव होगा ही, तो इसीलिए सर होगा फ्लोइंग, इसीलिए द्रव गुण का होगा लिक्विड। ठीक है, इसके बाद आते हैं कफ। कफ दोष किस प्रकार का होगा? कफ दोष होगा स्निग्ध। ठीक है, ये सस्नेह है, स्नेह युक्त है और ये स्निग्ध है, चिकना है। फिर इसके बाद हम आते हैं शीत मतलब कूल,
ठंडा होगा। वात दोष में भी याद रखिएगा शीत था और कफ दोष में भी शीत है। ये गुरु होगा, ये दोनों लघु थे लेकिन ये गुरु होगा, ये भारी होगा, ये मंद होगा मतलब स्लो होगा, धीमे होगा। और ये श्लक्ष्ण होगा, श्लक्ष्ण मतलब सॉफ्ट होगा या फाइन होगा। कोई चीज़ फाइन होती है तभी वो सॉफ्ट होती है ना, कोई भी पार्टिकल्स सॉफ्ट होते हैं, फाइन होते हैं तभी वो सॉफ्ट होते हैं। फिर मृत्स्न मतलब स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा। और स्थिर होगा मतलब स्टेबल होगा। पित्त कैसा था? फ्लोइंग था। ये कैसा था? चल था। ये दोनों रुकने वाले नहीं हैं लेकिन जो कफ है ये स्थिर है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं संसर्ग और सन्निपातज। यहाँ पे टू और थ्री किसी रीज़न से लिखा हुआ है, देखिए हम आपको बताते हैं। अगर जब दो दोषों की क्षय वृद्धि होती है एक साथ तब उसे संसर्ग कहते हैं। मतलब इन तीनों दोषों में से कोई भी दो दोष ले लें, ये दो ले लें, ये दो ले लें या ये दो ले लें, इन दोनों की साथ में या तो क्षय हुआ या तो इनकी वृद्धि हुई, जब ये होता है तब इसको संसर्ग कहा जाता है। इसलिए टू लिखा है क्योंकि इसमें दो दोष इन्वॉल्व होते हैं। सन्निपात मतलब इसमें तीनों दोष इन्वॉल्व होंगे, इसलिए यहाँ थ्री लिखा है। कैसे इन्वॉल्व होते हैं? तीनों दोषों की क्षय या वृद्धि एक साथ होती है, क्षय भी हो रहा है वृद्धि भी हो रही है, तीनों दोषों की एक साथ, उस अवस्था को सन्निपात कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद हम आते हैं सप्त धातुएं। अभी तक हमने त्रिदोष पढ़ लिए, त्रिदोष के गुण देख लिए। इसके बाद हम आते हैं हमारी सप्त धातुएं। त्रिदोष के बाद अगर सबसे बेसिक आयुर्वेद का कुछ है तो वो है सप्त धातुएं। अब हम सप्त धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सप्त धातुएं, सप्त धातुएं कौन कौन सी होती हैं? धातु ये टेबल के माध्यम से आप देखिए कौन कौन सी होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी सप्त धातुएं होती हैं। कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये जो सप्त धातुएं हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए और इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। कैसे? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसके बाद हम आते हैं मल। हमने तीन दोष देख लिए, सप्त धातुएं देख लिए। अब मल भी तीन प्रकार के होते हैं। मेन जो मल है हमारे वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? मूत्र, पुरीष तथा श्वेत। मूत्र मीन्स यूरिन, पुरीष मतलब हमारा जो फीकल मैटर होता है वो, श्वेत मतलब हमें जो स्वेट आता है वो हो गया हमारा श्वेत। तो मल वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे कौन से प्रकार के हो गए? तीन हो गए। और कौन से हो गए? मूत्र, पुरीष और श्वेत। आसान याद रखने के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बाद हम आते हैं दोषादि की वृद्धि एवं क्षय के हेतु। मतलब दोषों की जो वृद्धि होती है और जो क्षय होता है उसका हेतु क्या होता है? तो इसका हेतु कैसे हम पता करेंगे? देखिए, वृद्धि समाने सर्वेशाम विपरीतो विपर्याय, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोष धातु मल हमने देख लिए, हमारे दोष कितने हैं? त्रिदोष हैं। धातु कितनी है? सप्त धातु हैं अभी हमने देखी। और हमारी जो मल हैं ये भी हमारे तीन हैं। तो ये जो तीन हैं कि इन्हीं के समान गुण धर्म वाले द्रव्यों के सेवन से इनकी वृद्धि एवं विपरीत गुण वालों द्रव्यों से इनका क्षय होता है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि हमने देखा वात दोष नॉर्मली हमारा किससे मिल रहा था, मतलब वो लघु था, लाइट था। तो जो हमारे गुण हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो वात दोष के समान गुण वाली जो चीज़ें हैं उनके खान पान से या उस तरीके के रहन सहन से, अगर हम वात दोष के समान चीज़ों को खा रहे हैं, उसी समान का आचरण कर रहे हैं, उसी तरह की हमारी दिनचर्या आदि है, तो हमारा वात दोष में वृद्धि होगी। क्योंकि वात दोष जैसा है उसी टाइप का हम खाना खा रहे हैं, उसी टाइप का हम काम कर रहे हैं, तो वो हमारे वात दोष में वृद्धि होगी। इसके बाद अगर वात दोष के विपरीत गुण के हम अगर ले रहे हैं, उसी तरीके का हम आचरण कर रहे हैं, उसी तरीके का हमारा दिनचर्या आदि है, तो हमारा वात दोष में क्षय होगा। मतलब सीधी बात यह है कि जो दोष जैसा है उसके जैसा काम, उसके जैसा खान पान, उसके जैसा काम करने से वो उसकी वृद्धि होगी, उसके अपोजिट करने से उसका क्षय होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा सब में अप्लाई होगा। किस में? वात में भी,
पित्त में भी, कफ में भी, मतलब हमारे तीनों दोषों में, सप्त धातु में और मलों में, जो इन तीनों के जो भी गुण हैं, अभी हमने सिर्फ वात पित्त कफ के गुण देखे, इन सबके जो गुण हैं, इनके गुण के जैसे ही अगर हमारा खान पान आदि होगा तो हमारे उसमें वृद्धि होगी, उसके अपोजिट होगा तो उसका क्षय होगा। यही बस ये बताता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से हम आगे वैद्यां आदि पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम षड्रस। अभी हमने देखा कि तीन दोष होते हैं, सप्त धातु होती हैं, मल होते हैं। अब हम देखेंगे कि षड्रस होते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम फिंगर टिप्स पे याद रहनी चाहिए कि अगर कोई पूछ ले त्रिमल कौन से होते हैं, तब तुरंत बता दें मूत्रपुरी श्वेत। अगर कोई पूछ ले कि सप्त धातु कौन सी होती हैं, तो आप लाइन से बता दें रस रक्त मास में अस्थि मज्जा शुक्र। तो वैसे ही षड्रस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कैसे पढ़ेंगे, मूत्र पुरुष और श्वेत तो हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं रस। रस कौन से होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण और तिक्ध, कटु, कषाय। तो ये जो रस, ये होते हैं हमारे रस, कौन कौन से होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्ध, कटु और कषाय। मधुर मतलब स्वीट, अम्ल मतलब सोर, लवण मतलब सॉल्टी, तिक्ध मतलब पंजेंट, कटु मतलब बिटर, बिटर मतलब कड़वा और कषाय मतलब एस्ट्रिजेंट टाइप का टेस्ट। फिर इसके बाद हम आते हैं रसों का दोषों पर प्रभाव। अब जो रस हैं इनका दोषों पर प्रभाव कैसे होता है, अब मैं आपको ये बना के एक जगह दिखा देती हूँ। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो ये टेबल थोड़ी सी लंबी दी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट भी बना के दिखा सकती हूँ। देखिए आपको ऐसे लिखना है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये आपको छह लिखना है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ऑर्डर लिखना है। कटु तिक्त कषाय लिखिएगा, तिक्त कटु कषाय मत लिखिएगा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये छह ऑर्डर में अपन ने लिख लिया। ऊपर के जो तीन हैं मधुर, अम्ल, लवण, ये बढ़ाएंगे हमारे कफ को। नीचे के जो तीन हैं कटु, तिक्त, कषाय, ये बढ़ाएंगे हमारे किसको, वात को, ठीक है। और ऊपर का मधुर हटा दो, है ना, और बाकी के ये जो तीन बचे, ऊपर का मधुर हटाने बाद ये तीन किसको बढ़ाएंगे, अम्ल, लवण, कटु, ये किसको बढ़ाएंगे, हमारे पित्त को। अब देखिए ये ऊपर के तीन, अभी पित्त और वात को भूल जाइए, ऊपर के तीन कफ को बढ़ा रहे हैं, तो नीचे के तीन कफ को कम करेंगे। इसका भी वात मत देखिए, इसका बस कफ देखिए अभी। तो ऊपर के तीन कफ को बढ़ा रहे हैं, तो नीचे के तीन कफ को कम करेंगे, उसका क्षय करेंगे। अब वात को देखते हैं, ये नीचे के तीन वात को बढ़ा रहे हैं, तो ऊपर के तीन क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। अब पित्त में हमने ऊपर का मधुर छोड़ दिया था, अम्ल, लवण, कटु, ये जो तीन हैं ये पित्त को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा छूटा हुआ कौन सा होगा, मधुर और नीचे के दो तिक्त और कषाय, ये जो तीन हैं ये पित्त को कम करेंगे। बहुत ईजी है, बस ये याद रख लीजिएगा, ऊपर के तीन कफ को बढ़ाते हैं, नीचे के तीन वात को बढ़ाते हैं और मधुर को छोड़ के उसके बाद के तीन पित्त को बढ़ाते हैं, और इनके अपोजिट जो जो बच जाते हैं वो उनको उसी हिसाब से क्षय करेंगे। इसके बाद हम आते हैं त्रिविध द्रव्य पे। त्रिविध द्रव्य कौन कौन से होते हैं, शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य और स्वास्थ्य हित द्रव्य। शमन करने वाले, अर्थात किसी भी चीज़ का शमन का मतलब होता है कम करना, उसको दबाना, उसकी क्षय करवाना। तो ऐसे द्रव्य जो किसी भी चीज़ का शमन करें, उसको कम करें, उसको दबाएं, उसको ख़त्म करें, वो हो जाते हैं हमारे शमन द्रव्य। कोपन, कोपन नाम से ही समझ में आ रहा है, कोप करना मतलब बढ़ा देना। तो कोपन द्रव्य जो होंगे हमारे, ये बढ़ाएंगे किसी भी जो भी हमारा दोष धातु मल है, इनकी वृद्धि करेंगे। और होते हैं स्वास्थ्य हित द्रव्य। स्वास्थ्य हित द्रव्य क्या होते हैं, नाम से हमारे जो स्वास्थ्य के लिए हितकर हों वो होते हैं स्वास्थ्य हित द्रव्य, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं द्विविध वीर्य। दो टाइप के वीर्य बताए गए हैं, बहुत आसान है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, ठंडा और गर्म सीधे। तो वीर्य कौन कौन से प्रकार के हो गए हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं त्रिविध विपाक। अब विपाक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए
वी पाक मतलब वापस से उसका पाक होना। हम जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय लेते हैं, हमारे जो षड रस हैं इनको जब हम लेते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद जब ये जठराग्नि के संपर्क में आते हैं तब इनमें एक चेंज होता है, इनका वापस से पाक होता है। तो इनमें ये जो चेंज होता है इस समय इनके इनका विपाक होता है। तो ये जो विपाक होता है ये तीन तरह का होता है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। मतलब हमारे जो छह द्रव्य हैं वो तीन विपाकों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से विपाक हो गए हमारे? मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। ठीक है, तो अब जो हमारा ये तीन है ये तीन तरीके से हमारा विपाक हो जाता है। अब जो हमारा मधुर रस था और लवण रस था इनका मधुर विपाक होता है, अम्ल का अम्ल विपाक होता है, और जो हमारे लास्ट के तीन बचे थे कटु तिक्त और कषाय इन तीनों का कटु विपाक होता है। समझ में आया? मधुर और लवण का मधुर विपाक, अम्ल का डायरेक्ट अम्ल विपाक और कटु तिक्त कषाय इन तीनों का कटु विपाक होता है। ठीक है, विपाक मतलब वापस से पाक होना, इनका वापस से पाक होता है। इसके बाद हम आते हैं 20 गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से गुण हैं ये हमें पढ़ना है। इनका जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु मंद हिम स्निग्धान मधुसरा सूक्ष्म विशिता विंशति सविप्राय, ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये हमें याद करना है, ये लाइन से याद हो जाए बहुत आसान है ये। तो अगर हम इसका श्लोक याद कर लेते हैं और एक एक के अपोजिट देख लेते हैं, इस श्लोक में 10 दिए हुए हैं, अगर हमें ये 10 याद हो जाते हैं और इनके अपोजिट ध्यान रह जाते हैं तो आपको अपने आप 20 याद हो जाएंगे, लाइन से ही याद हो जाएंगे। आपको बस श्लोक याद करना है, आपको अपने आप ही पूरा ये याद हो जाएगा। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, गुरु, गुरु का मतलब ये हैवी, भारी। तो भारी का उल्टा क्या होगा? हल्का। तो हल्का को हम क्या बोलेंगे? लघु। तो गुरु लघु। फिर इसके बाद स्निग्ध, स्निग्ध मतलब स्मूथ। तो स्मूथ का उल्टा क्या होगा? रफ मतलब ड्राई। तो ये कैसा होगा? रूक्ष। इसके बाद द्रव, द्रव मतलब फ्लूइड और सांद्र मतलब सॉलिड। इसके बाद आते हैं शीत, शीत मतलब ठंडा, कोल्ड। उष्ण मतलब उसका उल्टा, गर्म। फिर इसके बाद हम आते हैं मंद मतलब डल और तीक्ष्ण मतलब शार। तो ये दोनों हो गए। इसके बाद स्थिर मतलब एक जगह, इमोबाइल, एक जगह रहने वाला, स्थिर रहने वाला। और सर मतलब मोबाइल, चलने फिरने वाला, मतलब चलने वाला सर। तो ये हो जाएगा स्थिर और सर। इसके बाद हम आते हैं मृदु, ये हो जाएगा मृदु मतलब सॉफ्ट, और मृदु का मतलब यहाँ पे मीठा नहीं है, याद रखिएगा, मृदु का मतलब यहाँ पे सॉफ्ट। तो मृदु का उल्टा क्या होगा? अगर ये सॉफ्ट है तो उल्टा होगा हार्ड, हार्ड मतलब कठिन, तो मृदु का उल्टा कठिन। फिर इसके बाद विशद और पिच्छिल, विशद का मतलब क्लियर और पिच्छिल का मतलब स्लाइमीनेस। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बाद श्लक्ष्ण मतलब स्मूथ, खर मतलब रफ, स्मूथ एंड रफ, श्लक्ष्ण खर। ठीक है, इसके बाद सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल मतलब बल्क, मतलब स्थूल, एक जगह रहने वाला, स्थूल रहने वाला। और सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, ये हो जाएगा बल्क। स्थूल मतलब बड़ा, बल्की टाइप का, बड़ा सा, एक जगह स्थूल रहने वाला। और सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, छोटा सा। ये दोनों हो गए। तो ये जो हमारे हो गए, ये हमारे 20 गुण हो गए। इसका ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं रोग आरोग्य, इसके बाद हम आते हैं रोग और आरोग्य के कारण पे, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।